मंत्रिमंडल ने 10 से 12 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी अंतर ऊर्जा की वापसी के लिए पंजाब और हरियाणा के साथ समझौते वार्ता के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिमंडल ने खट्टा पत्थर रोड़ू सड़क को चौड़ा करने के अलावा ठियोग कोटखाई खट्टा पत्थर सड़क को चौड़ा करने और इसके विस्तार के शेष कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा पेड़ों के कटान पर लगाए गए प्रतिबंध में छूट देते हुए भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा कंडा घाट में कैथलिटी घाट तक राष्ट्रीय ऊर्जा मार्ग पर फोर लेन के निर्माण के लिए हस्तांतरित व अधिग्रहण की गई निजी भूमि से कुछ पेड़ों व पौधों को काटने की अनुमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने पहली अक्टूबर से 31 मार्च के दौरान धान की फसल के दौरान पंजाब और हरियाणा में बिजली की कम आवश्यकता और सार्वजनिक हित में सर्दियों के महीनों के दौरान हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं के चलते पंजाब और हरियाणा से ऊर्जा वापसी के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। मेरे विभाग से संबंधित एक मुद्दा था जो BBMB से रिलेटेड है और उसमें क्योंकि 7.19% जो हमारा शेयर बनता था जो सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में 2011 में फैसला हुआ था वो काफ़ी समय से लंबित था और उसमें ये निर्णय लिया गया कि हमारा लगभग 30 लाख 66 हज़ार मिनट यूनिट जो है बिजली देने पे जो है पंजाब ने माना है और उसी के लिए हमने ये कहा है कि हमारे 10 से 15 सालों के बीच में ये बिजली हमें मिले तो लगभग हमें हर साल जो है 200-250 करोड़ रुपए जो है हमें यहाँ हमें सरकार को मिलेगा, इससे और आमदनी होगी। मंत्रिमंडल में धर्मशाला में 9 जनवरी 2018 में आरंभ होने वाले 13वीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में वित्त सचिव द्वारा राज्य के वित्तीय संसाधनों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। बैठक में पूर्व सरकार द्वारा अंधाधुंध खोले गए सरकारी संस्थानों के कारण देनदारियों के बढ़ने पर भी चर्चा की गई। खर्च में कमी करने के लिए सुझाव मांगने के अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने कार्यों व सेवाओं में गुणवत्ता लाने और समय पर परियोजनाओं का कार्य पूर्ण करने पर भी निर्देश दिए ताकि परियोजना लागत में वृद्धि न हो। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक की 45वीं वार्षिक रिपोर्ट को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने को मंजूरी प्रदान की। वही मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का बिलासपुर में एम्स स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। कैबिनेट मीटिंग में एक इस बात का आप जिक्र जरूर कर सकते हैं कि आज हमने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया, केंद्र सरकार का धन्यवाद किया, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, इन दोनों का धन्यवाद किया क्योंकि विधिवत रूप से जो है एम्स की जो है मंजूरी कैबिनेट के माध्यम से पिछले कल मिली है और हमें इस बात की खुशी है कि अब जो बाकी सारी चीज़ें उसमें करने की है उस दिशा में अब तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट।